हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम एक क्वेश्चन करेंगे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और साथ ही जो वाइट लाइट एक प्रिज्म पे दिया है, कैसे हम उसको रे को रिफ्लेक्ट करना है या रिफ्रैक्ट करना है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाना है, तो ये इस बेस में एक क्वेश्चन हम करेंगे। ये रोनित साहा ने मुझे भेजा है। तो हाय रोनित साहा, आप शायद देख रहे होंगे, तो चलिए आपके लिए मैं ये इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब बीम ऑफ वाइट लाइट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म ए बी सी एंड इमर्जेज आउट विद द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, विद द एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो क्या डिस्क्रिप्शन मिल रहा है हमको? सबसे पहले इक्विलेटरल प्रिज्म लेना है। अभी इक्विलेटरल प्रिज्म बोलने से ये 60 हो गया, ये 60, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये है ए बी सी और यहाँ से लाइट एंट्री कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट नॉर्मली। अब नॉर्मल जाता है रहता है तो यू हैव टू टेक इट स्ट्रेट अनडेविएटेड, तो सीधा ले जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट दिया है इमर्जेज आउट विद द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। देखिए ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, यानी कि जो एंट्री करता है। ठीक है, तो ये आ गया। जैसे हम नॉर्मल डायग्राम में क्या करते हैं, ये इंसिडेंट रे है, फिर एक्सटेंड करते हैं, ये एमर्जेंट रे है और यहाँ एक्सटेंड करके इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे का एंगल, ये डेविएशन होता है। तो ये नॉर्मली इसका डेफिनेशन है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। तभी एमर्जेंट रे इज गोइंग और कमिंग आउट विद द एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, इंसिडेंट रे के साथ एमर्जेंट रे 60 डिग्री में है। ठीक है, तो इसके साथ ये 60 डिग्री में होगा ये। तो ये मैं 60 डिग्री बना लेता हूँ, ये 60 डिग्री अंडरस्टूड है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। चलिए इधर शायद ये 60 डिग्री होगा, तो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है। यहाँ यदि नॉर्मल खींचेंगे है ना, तो ये 60 हो गया, बिकॉज दिस इज 30 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री। अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री होता है, ये पूरा 180 डिग्री होगा, सो दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो रहा है इसमें। देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। अभी यहाँ पर मैंने जैसे ये बनाया 60 है, ये ओके ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा है ना, दिस पार्ट इज 30, सो दिस इज 90। तो 90 में इंसिडेंट कर रहा है तो सीधा जाएगा, ये आ गया। तो दिस इज द एमर्जेंट रे। तो यहाँ पर एक ट्रिक दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट ये पूछा है, तो उसको आपको फॉलो करना। तो इसलिए इसके साथ 60 डिग्री बना के आपको दिखाना है। ठीक है, ये ओवरऑल जो एंगल है इसके साथ 60 डिग्री बना के जा रहा है, तो इसके साथ 60 डिग्री होने से यहाँ पर ये 60 हो जा रहा है, बिकॉज टोटल इज 180, तो 60 प्लस 60, ये तो 60 हो गया, क्योंकि ये 30 है। ठीक है, तो ये 60 है, तो ये भी 60 आ गया, बिकॉज दिस प्लस दिस इज 120 एंड रिमेनिंग इज दिस वन, दैट इज 180 माइनस 120, 60 डिग्री, तो ये आ गया। तो अभी हम देख रहे हैं, सो दिस इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयरर मीडियम, 60 डिग्री में होने से ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो इस तरह से चला आया। अभी चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रे
विद द एंगल्स। सो ये एंगल कहाँ कहाँ मार्क करना है तो इस तरह से मार्क कर दीजिए। तो ये व्हाट एजम्पशंस हैव यू मेड व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम, तो इसमें कुछ भी एजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन दिया है ना, तो इसके हिसाब से इधर मैं लेके आया तो वो नॉर्मल हो जा रहा है, तो इसमें कुछ एजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ये है कि दिस ऑल कलर्स, ठीक है, ऑल कलर्स विल कम टुगेदर, है ना, ऑल कलर्स विल कम टुगेदर, यहाँ पर लिखा है ना इमर्जेज आउट, तो इसलिए ऑल कलर्स हैव क्रिटिकल एंगल लेस देन 60 डिग्री। यदि किसी का 60 डिग्री से ज़्यादा होगा तो फिर वो सेपरेट हो जाएगा, तो लेकिन देयर द होल बीम इज कमिंग आउट, इमर्जिंग आउट, सो ऑल कलर्स हैव क्रिटिकल एंगल लेस देन 60 डिग्री। तो ये हम एजम्पशन इसमें कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें कोई एजम्पशन भी नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एनीवे वो पॉइंट्स आप जो मैंने बताया वो दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, नेम द फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय द लाइट बीम, तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यही है इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।